अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ LSM733 प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड आई एम उस्मान बिन सैफ. दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर. As we always do, we talk about the summary of the what we have understood, we have learnt in the last lecture. हमने last lecture में discuss किया था कि why do we want to globalize? हम globalization की तरफ क्यों जाना चाहते हैं? फिर हमने उसमें बहुत सारे points discuss किए थे. हमने 10-point decision operations management के discuss किए थे. हमने देखा था कि because of the resources, because of the trade liberalization और बहुत सारी reasons हैं जिसकी वजह से हम globalize करना चाहते हैं. तो the last lecture was about the growth of the world trade. Since growth बहुत पहले preceding year से बहुत ज़्यादा growth बढ़ गई है, उस growth के trend की वजह से ग्रोथ बढ़ रही है. कंट्रीज़ के अंदर बाउंड्रीज़ ख़त्म हो रही हैं. ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट विद वन कंट्री विद अदर कंट्री पर ट्रेड एग्रीमेंट्स, ये बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ आपस में इकोनॉमिक यूनियंस बन गई हैं. फिर हमने देखा था कि जी इसमें एक मेजर रीज़न सप्लाई चेन की इम्प्रूवमेंट भी है. पहले यूजुअली ये होता था कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म के, हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि जी आई वांट टू मैन्युफैक्चर अ कैमरा, तो मैं इन हाउस या अपनी फैसिलिटी में, फैक्ट्री में, वहाँ पे क्या करता था कि कैमरे के कंपोनेंट्स हैं, बैटरी है, लेंसेज हैं, उसमें उसका CCD इमेजर है, उसके बाद उसके अंदर उसके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, बॉडी है, उसकी केसिंग है, इस माइक है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं ख़ुद मैन्युफैक्चर करता था, असेंबल करता था और कैमरा प्रोड्यूस करता था. नाउ सिंस द वर्ल्ड हैज़ बिकम स्मॉल, अब क्या है कि कैमरे का लेंस खुद मैं, आई गो इनटू दैट एनालिसिस कि जी कैमरे का लेंस मैं खुद प्रोड्यूस करूँ या मैं किसी से ख़रीद लूँ या किसी से प्रोड्यूस करा लूँ. अब सिंस मेरी कंपैटिटिव एडवांटेज जो है वो किसी भी कैमरे के इलेक्ट्रॉनिक्स हैं. माय कंपनी इज़ एफिशिएंट, ब्रिलियंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स. ज़रूरी नहीं है कि मैं लेंसेज भी बहुत अच्छी क्वालिटी के बना सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि इन ऑर्डर टू सेल द बेस्ट थिंग, मैं किसी और कंपनी जिसकी प्रोफिशेंसी है, जिसके लेंसेज की क्वालिटी बेहतर है, मैं उनसे लेंसेज बना लेता हूँ, उनसे उनके साथ पार्टनरशिप कर लेता हूँ. उन्हें कहता हूँ कि जी ये मॉडल है, इसके लिए मुझे इस डिज़ाइन का, इस शेप का लेंस चाहिए, या मुझे लेंस बना दें. बैटरी के लिए मैं किसी और को एंगेज कर लेता हूँ. तो मैं अपनी सप्लाई चेन इम्प्रूव कर रहा हूँ थ्रू ग्लोबलाइजेशन. देन वी टॉक्ड अबाउट अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग ग्लोबल टैलेंट. पाकिस्तानी मार्केट में इफ़ आई गो इनटू द मार्केट एंड आई एम लुकिंग फॉर एन प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजर एंड आई एम अनएबल टू गेट द राइट पर्सन, व्हाट विल आई डू? आई विल गो टू द अदर मार्केट. अदर मार्केट इज़ द UAE, अबू धाबी, कुवैत, सिंगापुर, इंडिया, चाइना. आई विल लुक इनटू दीज मार्केट्स कि मुझे अगर वहाँ से अच्छा प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजर मिल जाए. या पाकिस्तानीज बहुत सारे दे गो अब्रॉड एंड वर्क देयर. सो इट इज़ अबाउट मैनेजिंग द ग्लोबल टैलेंट एज वेल. आपको कोई स्पेशलाइज्ड फील्ड में कोई भी आपको ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड है, अगर आपके अपने कंट्री में आपके अराउंड नहीं है, तो आप किसी भी और कंट्री से यू कैन आस्क हिम टू कम डाउन टू योर कंट्री. फिर उसको रिटेन भी करना. कल्चरल एंड एथिकल इश्यूज़ हैं, लेकिन क्योंकि सेंस ग्लोबलाइजेशन की वजह से कल्चरल और एथिकल इश्यूज़ भी डेवलप हो गए हैं. अब हर कंट्री का कल्चर अलग है, एथिकल नॉर्म्स अलग हैं, नॉर्मेलिटीज़ डिफरेंट हैं. जैसे हमने कल एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि न्यूजीलैंड इज़ वन ऑफ द कंट्री जो कि न्यूजीलैंड एंड स्विट्ज़रलैंड इज़ कॉल्ड द मोस्ट the least corrupt country in the world, and it is said कि जी वहाँ पे bribery का concept भी नहीं. Talk about India, कोई काम. Talk about Pakistan, आपको generally चीज़ें नहीं नज़र आती हैं ऐसी, लेकिन government offices में कोई भी काम कराना हो तो bribe करना पड़ता है. And हमारे सोशल नॉर्म्स कुछ ऐसे डेवलप हो गए कि हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया कि अच्छा ये काम कराना है, ये काम 3 दिन के अंदर, 3 दिन इसका ऑफिस प्रोसीजर है, मुझे तो आज ही चाहिए, चलो यार इतने पैसे ले लो, ये कर दो. हम ब्राइबरी को एज अ ब्राइबरी अब ट्रीट ही नहीं करते। हम देखिए नहीं सोचते कि हम गलत काम कर रहे हैं, हम कहते हैं कि नहीं जी इट इज़ अ नॉर्म, ये तो अब आपको ये फाइल अगर आज में चाहिए तो ये तो करना पड़ेगा। सो कल्चरल इश्यूज, एथिकल इश्यूज, हमारे नॉर्म्स हर कंट्री के डिफरेंट हैं, हर कंट्री के एथिकल इश्यूज डिफरेंट हैं। फिर हमने बात की थी मिशन और स्ट्रैटेजीज़ की कि हाउ टू डेवलप अ गुड मिशन एंड अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी इन ऑर्डर टू अचीव दैट मिशन। और फिर हमने बात की थी कि कंपेटिटिव एडवांटेज इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा जो इशू है दैट इज़ कंपेटिटिव एडवांटेज। हर फर्म हर कंट्री एक दूसरे से को कम्पीट कर रहा है और कंपनीज़ के लिए बहुत बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज एक अपॉर्चुनिटी भी है और डिज़ास्टर भी है। अपॉर्चुनिटी इस तरह से है कि दे हैव दैट फील्ड जहाँ पे कि सारी दुनिया की कंपनीज इकट्ठी हैं, उनके साथ कम्पीट करें। वो कंपनी जो बेटर है, जिसकी क्वालिटी बेटर है, कॉस्ट कम है, वो वहाँ पे दैट कंपनी कैन सक्सीड वेरी वेल। बट डिज़ास्टर ऐसे है कि इतनी ज़्यादा दुनिया की कंपनीज़ हैं, फिर हर कंपनी के क्योंकि रिसोर्सेज डिफरेंट हैं, हर कंपनी जो है, अब कोई भी हम कैमरा बना रहे हैं, कैमरा पाकिस्तान में बना रहे हैं, पाकिस्तान में जो कैमरे पे कॉस्ट आ रही है चाइना में उससे कम कॉस्ट आ रही है क्योंकि चाइना में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा सस्ती है, लेबर पाकिस्तान से भी सस्ती है। अगर वही कैमरा मैं अमेरिका में बनाऊं तो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी। सो अब अगर मैंने ग्लोबल मार्केट में उस कैमरे ने कम्पीट करना है विद चाइना एंड USA तो इट इज़ अ टफ कॉम्पिटिशन। सो दैट इज़ वाई कंपेटिटिव एडवांटेज एक डिज़ास्टर भी। फिर उसके बाद हमने फाइनली ऑपरेशन स्ट्रैटेजी के ऑप्शंस हमने डिस्कस किए थे, जिसमें हमने बात की थी डिफरेंट के हार्ले डेविडसन ने क्या किया, हार्ड रॉक कैफ़े ने क्या किया, ये सारे के आपने अगर लो प्रोडक्टिविटी और इंटरनेशनल मार्केट दोनों को हमने ग्राफ प्लॉट करके कंपेयर किया था कि किस सिचुएशन में लो प्रोडक्टिविटी होगी, किस में हाई प्रोडक्टिविटी होगी। मैकडोनल्ड्स की हमने केस स्टडी देखी थी कि मैकडोनल्ड्स ने क्या किया कि उसने क्या किया कि लोकली उसने लोकल डायमेंशंस यूज़ की, उसने फ्रेंचाइजिंग का ऑप्शन उसने अडॉप्ट किया, इंटरनेशनली भी उसने एक्सपैंड किया और हाई प्रोडक्टिविटी इंटरनेशनल एक्सपेंशन कैसे की, उसने फ्रेंचाइज दे दी लोकल पर्सनस को, हर कंट्री में लोकल पर्सनस को फ्रेंचाइज दे दी। लेकिन उन्होंने मॉडल अपना जो था ऑपरेशंस मॉडल सेम रखा, क्वालिटी सेम रखी ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो दिस इज़ व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर। Now let's move on to today's lecture. The agenda for today's lecture is we'll first discuss a case study, Hard Rock Cafe. हमने पिछले दोनों लेक्चर्स में भी थोड़ा सा इसको हमने डिस्कस किया था, इस पर बात की थी, लेकिन आज इन डिटेल वील सी कि हाउ ऑपरेशंस मैनेजमेंट वर्क्स इन हार्ड रॉक कैफ़े। देन वील टॉक अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये एक्सप्लेन किया था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज स्टडी, इट इज़ अ कोर्स, इट्स नॉट अ टॉपिक। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ प्रोजेक्ट्स को देखेंगे और देखेंगे कि हम प्रोजेक्ट्स की मैनेजमेंट इन रिलेशन टू ऑपरेशंस मैनेजमेंट कैसे करते हैं, हम क्रिटिकल पाथ्स कैसे डिफाइन करते हैं, हम गैंट चार्ट्स कैसे बनाते हैं जो यूजुअली हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट में मॉनिटरिंग एवैल्यूएशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, पर्ट एनालिसिस क्या होता है। सो आज का एजेंडा इज़ प्रोजेक्ट और फिर हम इसमें करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, एक्टिविटीज़ देखेंगे, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स देखेंगे, हम प्रोजेक्ट्स के कैसे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, फिर स्केड्यूलिंग टेक्निक्स क्या हैं, कॉस्ट टाइम ट्रेड ऑफ्स क्या हैं। कॉस्ट टाइम ट्रेड ऑफ्स का मतलब है कि अगर कॉस्ट हम इंक्रीज़ कर लें, टाइम डिक्रीज़ कर लें, टाइम कॉस्ट डिक्रीज़ कर लें, टाइम इंक्रीज़ कर लें, या प्रोजेक्ट कंट्रोल रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है। तो यह हम ओवरव्यू इसका भी आज के लेक्चर में करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट the lecture with the case study of Hard Rock Cafe. It is an excellent example of production operations management. Hard Rock. Operations managers are the one who carry the task of providing the well-being of the worldwide society by producing many products. ऑपरेशन मैनेजर्स बेसिकली क्या होते हैं, जो कि प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड bringing the products into the market. These products can take any kind of form. कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, किसी तरह की हम कैमरा बना रहे हैं, हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड करना भी एक इट्स अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट. इसी तरह हम कोई कार बना रहे हैं, और कोई भी कमोडिटी हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था, कोई भी कमोडिटी हो सकती है, कोई भी सर्विस हो सकती है. सर्विस को हम इंटेंजिबल्स में कंसिडर करते हैं, कमोडिटी हमारा टेंजिबल एसेट्स होते हैं. दिस इज द लेआउट ऑफ हार्ड रॉक कैफे. द फर्स्ट हार्ड रॉक कैफे, थोड़ी सी इसकी हम हिस्ट्री भी देखते हैं. In the old days was a cafe and a bar, but nowadays it's become a famous restaurant. पहले ये it was a small cafe. अब ये it has developed into a restaurant now. The पहला cafe था, it was opened in London in 1971. In London in 1971, it was the one of the oldest and the most successful cafe. Eric Clapton, a regular customer, marked his favorite bar stool by hanging his guitar in the London cafe. ये इसकी फेमस होने की बहुत मेजर बड़ी वजह ये थी कि 1970s में रॉक म्यूज़िक स्टार्ट हुआ था. रॉक म्यूज़िक क्या होता है, जो कि म्यूज़िक और गाना सॉन्ग बजाया जाता है गिटार से, इलेक्ट्रिक गिटार्स और ड्रम्स के साथ जो सॉन्ग प्ले किया जाए या म्यूज़िक प्ले किया जाए उसे रॉक म्यूज़िक कहते हैं. अब ये लेट 60s अर्ली 70s में रॉक म्यूज़िक वाज इन्वेंटेड. उससे पहले क्लासिकल और अदर फॉर्म्स ऑफ म्यूज़िक थे, लेकिन रॉक म्यूज़िक उन दिनों नया एंड इट वाज सो वेल टेकन बाय द पब्लिक, और लोगों को रॉक म्यूज़िक इतना पसंद आया और इट वाज इन ह्यूज बूम. और उन दिनों जितने ये रॉक म्यूज़िक के आर्टिस्ट थे, जितने गिटारिस्ट थे, दे वर वेरी फेमस. तो एरिक क्लैप्टन इज़ वन ऑफ द सिंगर जो कि ही वाज एक्सट्रीमली फेमस फॉर रॉक म्यूज़िक दैट इन दोज डेज. तो वो रेगुलर कस्टमर था, इस बार थी, यहाँ पे ड्रिंक करने आता था, यहाँ पे कैफ़े भी था साथ, तो यहाँ पे आता था. तो एक स्टूल उसने अपना रखा हुआ था और वो उसका पक्का स्टूल था, उसी पे रोज़ आके बैठता था. फिर उसने क्या किया कि अपना जो गिटार था वो स्टूल के साथ उसने लटका दिया और अपनी उसने सीट रिज़र्व कर दी. अब वो सीट सिर्फ एरिक क्लैप्टन के लिए थी, वो रोज़ आता था और लोग उसके बहुत सारे मदाह थे, फेमस था वो, और लोग बहुत उससे मिलने वहाँ आते थे. तो आहिस्ता आहिस्ता लोग फिर हार्ड रॉक कैफ़े में आना शुरू हुए, वहाँ पे फिर उसने म्यूज़िक प्ले करना शुरू कर दिया और रोज़ वो एरिक क्लैप्टन वहाँ पे म्यूज़िक प्ले किया करता था. सो इसकी रेपुटेशन एक डेवलप हो गई. अब रेपुटेशन इसकी डेवलप इतनी सक्सेसफुल, हार्ड रॉक कैफ़े इतना सक्सेसफुल हो गया कि इट कैन बी कंपेयर्ड विद वर्लपूल. वर्लपूल कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी रेफ्रिजरेशन कंपनी थी. ड्रीम वर्क्स मूवीज़ बनाते थे, डिज्नी वर्ल्ड एंड यूनिवर्सल स्टूडियोज़. तो इसका हार्ड रॉक के कैफ़े वॉज एज फेमस एज ऑल ऑफ देम. देर आर 129 रेस्टोरेंट्स इन मोर देन 40 कंट्रीज़ नाउ. इस वक्त 129 रेस्टोरेंट्स इन टोटल और 40 कंट्रीज़ में, एंड न्यू रेस्टोरेंट्स ओपनिंग ईच ईयर, एंड दे सर्व ओवर 35 मिलियन गेस्ट वर्ल्ड वाइड ईच ईयर. 35 मिलियन कस्टमर्स, 35 मिलियन गेस्ट आते हैं इनके पास हर साल. ये हर साल में 35 मिलियन इनके जो 129 रेस्टोरेंट्स हैं उसमें लोग आते हैं. सो दिस इज़ वेरी फेमस. हार्ड रॉक कैफ़े इन ऑरलैंडो फ्लोरिडा सर्व 3500 मील्स ईच डे विद मोर देन 1500 पीपल. ऑरलैंडो में सबसे बड़ा जो इस वक्त, ऑरलैंडो अमेरिका की एक स्टेट है, फ्लोरिडा के अंदर ऑरलैंडो एक जगह है जहाँ पे कि हार्ड रॉक कैफ़े जो है वो सबसे बड़ा हार्ड रॉक कैफ़े वहाँ पे है, और उसमें उनके पास 1500 लोगों का स्टाफ है. स्टाफ इज़ 1500 पीपल एंड 3500 पीपल कम टू दैट कैफ़े एवरी डे टू ईट. 3500 मील वो डेली सर्व करते हैं. Operation managers in Hard Rock Cafe are considered to serve excellent food. आप देखें अब हार्ड रॉक कैफे क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जब हम कहते हैं कैफे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? फूड है, म्यूजिक है, उसके अलावा एंटरटेनमेंट है। फूड इज अ प्रोडक्ट, कमोडिटी गुड्स है। सर्विस, एंटरटेनमेंट, ये दोनों सर्विस में आते हैं। एक तब दो चीजें प्रोवाइड कर रहा है, गुड्स भी प्रोवाइड कर रहा है और सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक कि हार्ड रॉक कैफे में ऑपरेशंस मैनेजर की जरूरत है? यस, हार्ड रॉक कैफे इज रनिंग एन ऑपरेशन और वो प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं? गुड्स एंड सर्विस। सो ऑपरेशन मैनेजर्स इन हार्ड रॉक कैफे आर कंसिडर्ड टू सर्व एक्सेलेंट फूड। और वहाँ पे हार्ड रॉक कैफे जो ऑपरेशन मैनेजर्स हैं उनका काम क्या है कि वो चेक रखें कि फूड जो है बेहतरीन, सबसे अच्छी क्वालिटी का एक्सेलेंट फूड सर्व हो, अट्रैक्टिव हो इन लेआउट, और फूड जब प्लेट सर्व हो तो वो प्लेट बहुत अच्छी तरह से अरेंज्ड हो। ऑन द अदर हैंड दे मस्ट बी श्योर दैट द स्टाफ कंट्रीब्यूट टू द एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ पीपल एंड मटेरियल टू इंश्योर दैट प्रॉपर पोर्शंस आर सर्व्ड। एक तो क्वालिटी, क्वांटिटी, दोनों चीज़ें पूरी होनी चाहिए। फिर लेआउट बहुत अच्छा आना चाहिए, और लेआउट ना सिर्फ उस प्लेट का जो सर्विंग की प्लेट है कैफे का भी। ऑपरेशंस मैनेजर आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेआउट ऑफ द कैफे। अब कैफे में एफिशिएंट मूवमेंट का क्या मतलब है कि आपने यहाँ पे आपने देखा, मैं आपको दिखाता हूँ पिछली स्लाइड के ऊपर, ये देखें यहाँ पे क्या है, चलने फिरने की एम्पल स्पेस है हर टेबल के आसपास। अगर ये स्पेस कम कर दें तो क्या होगा, हर कस्टमर को सर्व करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, गुजरने में, कस्टमर्स ने भी गुजरना है, गेस्ट ने भी गुजरना है, अपने टेबल पे जाना है, इनके जो वेटर्स हैं उसने भी गुजरना है। तो लेआउट, इट इज़ एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ लेआउट कि उन्होंने लेआउट ऐसा रखा कि जहाँ पे चलने फिरने की मूवमेंट की एफिशिएंट स्पेस है। Now, operations manager in Hard Rock Cafe from Universal Studios in Orlando, their work goes into designing, testing and costing meals, then evaluate the quality of the meal, well-trained cooks, excellent staff and customer satisfaction. उनके लिए operations manager के लिए सबसे important चीज़ क्या है कि जो उनका काम है, जो food है, उसकी designing खूबसूरत हो product की, फिर costing, testing, उसके बाद क्वालिटी बहुत उसकी मील की अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद वेल ट्रेंड उन्होंने कुक्स रखे हुए हैं, फिर एक्सेलेंट स्टाफ है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये 5-7 चीज़ें हैं जो कि हर ऑपरेशंस मैनेजर, हार्ड रॉक कैफे का ऑपरेशंस मैनेजर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन चीज़ों का उसने ख्याल रखना। सो Managers who successfully design and develop goods and services throughout the world understand operations the best. So it is the job of an operations manager. Not only operations manager can work in a restaurant, they can also work in any place. अब हमने तो एक हमने कैफ़े की, एक हमने रेस्टोरेंट की एग्जांपल देखी जहाँ पे हम फूड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ ऑपरेशंस मैनेजर कहीं भी हो सकता है, किसी स्कूल में भी ऑपरेशंस मैनेजर हो सकता है। सो ऑपरेशंस मैनेजमेंट एग्जिस्ट इन every kind of manufacturing concern और every kind of service। स्कूल की हमने बात की, स्कूल क्या प्रोड्यूस कर रहा है? स्कूल बच्चों को टीचिंग कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो स्कूल में भी ऑपरेशंस मैनेजमेंट की ज़रूरत है, स्कूल में भी ऑपरेशंस मैनेजर होता है। Production is the creation of goods and services. Operations management is a set of activities that create value in the form of goods and services by transforming inputs into outputs, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। Now, हमने लास्ट लेक्चर में एक चीज़ पढ़ी थी, जैसे हमने कहा था 10 decisions of operations management, और ये हमने ये भी डिस्कस किया था कि 10 decisions हर operations manager को लेने पड़ते हैं। हर operations manager के लिए 10 decisions बहुत important होते हैं। पहला क्या है डिसीजन, क्या है? डिज़ाइन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम हार्ड रॉक कैफ़े की ही एग्जांपल को डिस्कस करते हैं फर्दर कि हम ये 10 डिसीजंस हार्ड रॉक कैफ़े में कैसे हो सकते हैं। design of goods and services. Hard Rock Cafe first built its business on rock service memorabilia, utilizing the publicity and public recognition of Eric Clapton when he hung his guitar above his favorite bar stool. Since then, Hard Rock focused on building this service-based empire with a focus on food and retail. अब उन्होंने अपनी हार्ड रॉक कैफे ने अपनी गुड्स को और सर्विस को डिज़ाइन कैसे किया. एक तो उन्होंने पहले जब हार्ड रॉक कैफ़े उसका नाम रखा तो वो क्या करते थे, हर कस्टमर को एक पत्थर एज अ टोकन ऑफ मेमोरी या मेमोरेबिलिया भी इसे कहते हैं, उन्होंने वो उसके ऊपर ना हार्ड रॉक नाम उसका एनग्रेव करा के नाम लिख के हार्ड रॉक कैफ़े गिफ्ट करने शुरू कर दिए. लोगों ने वो अपने घरों में रखने शुरू कर दिए और उसके अलावा अपने ऑफिस में रखने शुरू कर लिए. तो वो एक उनकी वेस्ट एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट होगी, डिज़ाइन उनकी सर्विस और गुड का कि जी ये दिस पर्सन हैज़ वेंट टू द हार्ड रॉक कैफे. एक वो चीज़ थी. फिर उन्होंने क्या किया, जब वो उसने अपना एरिक क्लैप्टन आया उसने अपना गिटार लटका दिया तो उसकी वजह से लोग आना शुरू हो गए. तो उन्होंने फिर अपना सारा जो कैफ़े था उसको उन्होंने अपना जो बार था उसको डिज़ाइन ही उस तरह से कर दिया. उन्होंने गिटार शेप बना दी, गिटार उन्होंने बाहर लगा दिया और उन्होंने उसका गिटार उसकी सीट एक फिर रिज़र्व कर दी और रोज़ वहाँ पे म्यूज़िक और हार्ड ये रॉक म्यूज़िक और ये सारी चीज़ें वहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी. सो उन्होंने अपनी गुड्स और सर्विसेज को डिज़ाइन ही उस तरह से कर लिया. इन ऑर्डर टू कीप अप विद द चेंजिंग मार्केट, हार्ड रॉक कंटिन्यूसली अपडेट्स इट्स मेन्यू एंड सिलेक्शन म्यूज़िक सिलेक्शंस. और एक तो मार्केट के साथ चलने के लिए वो कंटिन्यूसली अपने मेन्यू में नए फूड आइटम्स डालते रहते हैं और म्यूज़िक भी उन्हें जैसे जैसे न्यू म्यूज़िक आता जाता है वो उसमें ऐड करते जाते हैं. इट ऑल्सो हैज़ ब्रांच्ड आउट टू टेक एडवांटेज ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज बाय एक्सपेंडिंग इनटू अ होटल, कैसीनो एंड कंसर्ट एरिनाज. और उन्होंने अब हार्ड रॉक कैफ़े सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं रह गया, उन्होंने अपने होटल्स भी बना लिए, अपने कैसीनोज बना लिए, अपने मूवी थिएटर्स एरिनाज बना लिए. सो दे हैव ऑल्सो डाइवर्सिफाइड. Managing quality. Tough second decision is managing quality. Tough quality controls are in place for both the food quality and service provided to the customer. Customers are encouraged to fill out surveys after each visit. अब एक तो उन्होंने अपनी फूड क्वालिटी फूड स्टैंडर्ड बहुत हाई रखा, फिर हर कस्टमर से वो एक सर्वे फॉर्म जरूर फिल कराते हैं और क्वालिटी के बारे में भी पूछते हैं और उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं. Process and capacity design. The production process is defined from raw food receipt to plating to ensure product efficiency as well as quality meal. अब उनका प्रोसेस क्या और कैपेसिटी डिज़ाइन उन्होंने कैसे किया कि प्रोसेस उनका ये है कि जी रॉ फूड मटेरियल उनके पास आता है, उसको स्टोर करते हैं, उसके बाद उसको रिफाइन करते हैं, उसके बाद कुक करते हैं और उसके बाद वो प्लेट में सर्व करते हैं. तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसको उन्होंने क्या किया है, एफिशिएंट. उन्होंने एफिशिएंसी इंश्योर की है कि सारे प्रोसेस के अंदर ये प्रोसेस एफिशिएंट होना चाहिए और लेस टाइम कंज्यूमिंग होना चाहिए. दिस मिनिमाइजेस कस्टमर्स वेट टाइम एंड अलाउज हार्ड रॉक टू सर्व मोर पीपल इन अ डे. और जब लेस टाइम हर शख्स को सर्व करने में कम टाइम में आप सर्व करेंगे तो आप ज़्यादा कस्टमर्स को सर्व कर सकेंगे. लोकेशन स्ट्रैटेजी. About 75% of Hard Rock's employees are people in the United States. Therefore, a multi-domestic strategy works well for its Orlando headquarters. Location strategy ये वही वाली है जो हमने McDonald's में की बात की थी कि multi-domestic का मतलब कि अब जैसे Hard Rock Cafe अगर एक न्यूयॉर्क के अंदर है, एक Orlando में है, एक Hard Rock Cafe लंदन में, तो लंदन के अंदर इन्होंने उसी तरह फ्रेंचाइज किया हुआ है. लंदन में फ्रेंचाइज किया हुआ है, वहाँ पर लंदन का लोकल पर्सन है जो कि उसको रन कर रहा है और लैंडो का लोकल पर्सन है, न्यूयॉर्क का लोकल पर्सन है और फिर वो वहीं के लोकल स्टाफ हायर कर रहे हैं. लेआउट स्ट्रैटेजी. द लेआउट ऑफ द रेस्टोरेंट कंट्रीब्यूट्स टू एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ पीपल एंड मटेरियल. जैसा भी उन्होंने डिस्कस किया कि लेआउट टेबल्स का चेयर्स का उन्होंने, ताकि लोगों एफिशिएंटली मूव कर सकें, एफिशिएंटली सर्व कर सकें कस्टमर्स को. ह्यूमन रिसोर्स एंड जॉब डिज़ाइन. This is the sixth decision. When Hard Rock hires employees, it seeks out the best people it can recruit and train. जब Hard Rock Cafe जब employees hire करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो best से best human resource को hire करें और उसके बाद उसको train करें. They seek out not only people that are passionate about music but have engaging personalities as well. तो उसमें वो दो चीज़ों का बहुत ज़रूरी ख्याल रखते हैं कि एक जितने भी स्टाफ हायर करें, इवन द कुक भी जो हायर करें, वो भी उसको म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक़ होना चाहिए, गाने का, म्यूज़िक सुनने का शौक़ होना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है, एंगेजिंग पर्सनालिटी। एंगेजिंग पर्सनालिटी होती है जो कि हर किसी के साथ घुल मिल जाए, बातचीत करे, गपशप लगाए, इस तरह के लोग वो हायर करते हैं। सप्लाई चेन मूवमेंट, required products are analyzed for cost and quality of ingredients, only ingredients from qualified suppliers are used। वो क्या करते हैं, जितना उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए उसके लिए वो पहले टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद उन्हें अप्रूव करते हैं, और जो अप्रूव्ड सप्लायर्स हैं उनसे सिर्फ वो रॉ मटेरियल्स लेते हैं और किसी से नहीं लेते, लोकल मार्केट से परचेजिंग नहीं करते। इन्वेंट्री इज बेस्ड ऑन डिमांड। Hard Rock serves over 3,500 meals a day and music memorabilia makes up to 48% of the profit। अब वो क्या करते हैं कि डिमांड पे जितने ज़्यादा, अब वो मंथली फोरकास्ट उसकी डेवलप कर लेते हैं। मंथली फोरकास्ट का मतलब है हर महीने उन्हें पता होता है कि इस पिछले महीने हमने इतने कस्टमर्स को सर्व किया, इस महीने हम रफली इतने कस्टमर्स को सर्व करेंगे, तो हमें इतना जो है रॉ मटेरियल चाहिए होगा। प्लस एक तो हमने जो बात की कि फूड सर्व करते हैं, पे मेमोरेबिलिया भी है, तो वो भी 48% रेवेन्यू वहाँ से अर्न करते हैं और बाकी रेवेन्यू जो है 52% फूड से अर्न करते हैं। स्केजुलिंग, 9th डिसीजन है स्केजुलिंग। हार्ड रॉक एम्प्लॉयज आर स्केड्यूल्ड टू 15-minute इंटरवल्स टू अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी इन स्केजुलिंग टू मीट पीक सीजनल एंड डायलिंग डिमांड चेंजेस एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इट्स स्केड्यूल्ड स्टाफ। 15-minute scheduling time. What is that scheduling time? Are scheduled to 15-minute intervals. 15-minute intervals का मतलब है कि every 2 hours जो है वो 15 मिनट की तमाम स्टाफ को ब्रेक देते हैं, और वो इस तरह से उन्होंने स्केड्यूल किया हुआ कि जो स्टाफ सर्व कर रहा होता है वो उससे पहले जो बाकी जो आइडल स्टाफ होता है उसको 15 मिनट की ब्रेक, फिर जो सर्व कर रहा होता है उसको 15 मिनट की ब्रेक, इस तरह से, सो दैट के उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी ओवरबर्डन ना हों, वो भी रिफ्रेश रहें और अच्छी तरह से अपने कस्टमर्स को सर्व कर सकें। प्लस एक और चीज़ इसमें जो 10th डिसीजन है, लास्ट डिसीजन है, दैट इज़ मेंटेनेंस। Hard Rock Cafe has a maintenance strategy, a maintenance mission as well। और maintenance किस चीज़ की? Reputation की, products की, service की और premises की। So these were the 10 decisions of operations management। कि ये 10 डिसीजंस हैं जो कि हर ऑपरेशंस मैनेजर को लेने पड़ते हैं। हम बाकी भी जितनी केस स्टडीज़ करेंगे उनमें सब में देखेंगे कि क्या ये 10 डिसीजंस ऑपरेशंस मैनेजमेंट के मौजूद हैं। अगर नहीं मौजूद तो इसका मतलब है कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट, द स्टेट ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट इन दैट कंपनी इज़ नॉट वेरी गुड। बट हार्ड रॉक कैफ़े के केस में ये सारे के सारे 10 डिसीजंस जो हैं ऑपरेशंस मैनेजर्स, दे आर कंसिडरिंग दैम। So, Hard Rock Cafe is a very good example of operations management. Now moving on to project management. So, why a separate topic on projects? If you look back to the product process matrix, हमने देखा था there is a focus on volume। हमने एक मैट्रिक्स बनाया था जिसमें हमने देखा था कि when volume increases, जब volume increase होता है तो we became more standardized and efficient। वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो वी हैव मोर कस्टमाइजेशन। हमने ये बात की थी उसमें भी, जब हमने देखा था हेरिटेज, देखा था हमने ऑपरेशंस मैनेजमेंट का कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट इवॉल्व कैसे हुई। पहले इट वाज इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात होती थी, ज़्यादा वॉल्यूम की बात होती थी, और फिर ज़्यादा वॉल्यूम जब आप डेवलप करते हैं, ज़्यादा वॉल्यूम प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर आप स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब वॉल्यूम कम हो तब आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। नाउ इट इज़ द एरा ऑफ कस्टमाइजेशन। So project work based work is becoming increasingly prevalent for market driven reasons, growing projects complexity, collapsing products service life cycles। Project based work is becoming increasingly prevalent। हर चीज़ अब हम, क्योंकि since we want to become efficient, I want to become efficient। मैं कोई भी project है, let's suppose अगर मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ, मैं घर को एज अ प्रोजेक्ट अगर ट्रीट करूंगा, मैं अपनी डेडलाइंस डिफाइन करूंगा कि ये काम इतने दिन में हो सकता है, मुझे इतने दिन में काम कराना है, इतनी मेरी कॉस्ट आएगी, और ये सारी मैं अगर पहले से प्रोजेक्ट प्लानिंग करूंगा तो आई विल बी एफिशिएंट इन मेकिंग माय हाउस, और मैं टाइम पे वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकूंगा, या मुझे पता होगा कि मैंने कितना टाइम मुझे रिक्वायर्ड था और कितना टाइम में ओवर टाइम है या डाउन टाइम है, क्या है, अंडर स्टेट हो रहा है टाइम या ओवर स्टेट हो रहा है टाइम, क्या पोजीशन क्या है प्रोजेक्ट की। मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर देख सकता हूँ कि प्रोजेक्ट वेयर माय प्रोजेक्ट स्टैंड्स और कौन सी एक्टिविटीज़ हो गई, कौन सी एक्टिविटीज़ रह गई। अगर मैं उसको एज अ प्रोजेक्ट ट्रीट नहीं करूँगा तो मैं फिर बस लगा रहूँगा, कई साल लगा रहूँगा, घर बस बन रहा है तो बन रहा है, कोई प्लानिंग नहीं, और मेरी जो कॉस्ट है कॉस्ट ओवर स्टेट कर देगी। मैंने सोचा था मैं 10 लाख में घर बनाऊंगा, बनाते बनाते व्हेन आई फिनिश्ड माय हाउस तो पता चला मैं कुछ 40 लाख तो खर्च चुका हूँ। सो प्रोजेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को प्रोजेक्ट कह सकते हैं, कोई भी चीज़ प्रोजेक्ट। इवन में घर से ऑफिस आना है, दिस इज़ अ प्रोजेक्ट। एक्टिविटीज़ इसकी क्या क्या होंगी, घर से उठना है, मैंने सुबह तैयार होना है, तैयार होके मैंने गाड़ी स्टार्ट करनी है, गाड़ी में फ्यूल है नहीं है, ये मेरे रिसोर्सेज हैं। उसके बाद फिर मैंने गाड़ी ड्राइव करनी है, मैंने किस स्पीड पर ड्राइव करनी है, कितनी देर में पहुंचना है, और उसके बाद मैंने ऑफिस पहुंचना है। ऑफिस पहुंचने तक ये मेरा प्रोजेक्ट ऑफिस पहुंचने का कंप्लीट हो जाता है, और मेरी इस पर क्या कॉस्ट आई, कितना टाइम मेरा स्पेंड हुआ। आपने कोई नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, सेल फ़ोन ख़रीदना है, तो इट इज़ अनदर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। आप पहले तो सर्वे करते हैं, गोइंग टू द मार्केट, आप देखते हैं आपके पास कितने पैसे हैं, आप कितने पैसे खर्च सकते हैं, कहाँ से ख़रीद सकते हैं, फिर वहाँ जाने आने की कॉस्ट, आपका टाइम कंज्यूम होता है, फिर आप उसमें देखते हैं आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, रिसोर्सेज के हैं, और इवेंचुअली यू बाय अ मोबाइल फ़ोन, और फिर उसके बाद यू क्लोज़ योर प्रोजेक्ट। एंड जब प्रोजेक्ट क्लोज करने का मतलब है कि फिर आप एनालिसिस करते हैं, वैल्यूएट करते हैं कि क्या जो मैंने इतनी मेहनत की, मैंने ये प्रोजेक्ट अच्छा किया, मैंने मोबाइल अच्छा ख़रीद लिया इस मेहनत से, या कि मेरा प्रोजेक्ट जो था अगर मैंने एक हफ्ते में ख़रीदना था मोबाइल तो 4 हफ्तों में ख़रीदा मैंने, और मोबाइल भी ठीक ना मुझे मैं ढूंढ सका। या आप कहते हैं कि जी 4 हफ्ते तो लग गए लेकिन मोबाइल फ़ोन मुझे बहुत अच्छा वाला मिल गया। सो दीज आर ऑल काइंड ऑफ एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। नाउ प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट। प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट में भी एवरीथिंग इज़ अ प्रोजेक्ट। कैसे? ऑपरेशंस है, प्रोडक्शन है, मेरी कंपनी है और मैं की चेन्स बनाते हैं। की चेन्स का मेरे पास एक ऑर्डर आया, की चेन्स का जी 10 लाख की चेन्स बनाने। अब मुझे 10 लाख मुझे पता है, डिमांड भी पता है, अब मैंने इसको मैन्युफैक्चर कैसे करना है, कितने दिनों में मैन्युफैक्चर करना है, कौन से रिसोर्सेज चाहिए, कौन से रिसोर्सेज कहाँ से चाहिए, किचन का हेड मुझे खुद बनाना है या कहीं से ख़रीदना है, या उसकी जो चेन है वो कहाँ से आएगी, फिर उसको असेंबल कैसे करना है। ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है, इसका कंप्लीट एक स्केड्यूल बनेगा, इसकी कंप्लीट प्लानिंग होगी, एक कम्युनिकेशन प्लान बनेगा कि ये बना के कैसे फिर मैंने उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनेगी। अब उसमें जो इसका स्केड्यूल बनेगा, प्रोजेक्ट स्केड्यूल, वो मुझे कंप्लीट बताएगा कि जी इस डेट तक आपका किचन का हेड बन जाना चाहिए, इस डेट तक आपकी चेन आ जानी चाहिए, इस डेट पे ये असेंबल हो जाना चाहिए, इस डेट के ऊपर पॉलिश हो जाना चाहिए, इस डेट पे पैक हो जाना चाहिए। सो दिस इज़ अगेन अ प्रोजेक्ट। सो ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वर्क्स वेरी क्लोजली। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजेक्ट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अगेन अ प्रोजेक्ट कि आप कितने दिनों में डेवलप करते हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, कितने मैन आवर्स यूज़ होंगे, कौन कौन किस कंपोनेंट पे काम करेगा, ये सारे प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ हैं। स्टेजिंग अ प्ले, आप इसी तरह एक थिएटर में एक प्ले कर रहे हैं, आप ड्रामा कर रहे हैं, तो आपने वो भी एक प्रोजेक्ट है, लोगों को हायर करना है, उनके साथ प्रैक्टिस सेशंस करने हैं, फिर आपने उसके बाद प्रेजेंट करना, क्लोज करना प्रोजेक्ट। Now what is exactly is the project management? It is a methodological approach to planning and guiding project processes from start to finish. Project management क्या है? आपने project तो कह दिया, एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, वो भी project है। Now sequence wise कि project, अब मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, पहली कौन सी एक्टिविटी, दूसरी कौन सी एक्टिविटी है, साइड बाय साइड एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी कर सकता हूँ, और उसके बाद प्रोसेसेस को मैं कैसे फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश मैं कैसे लेके चल सकता हूँ, दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट द प्रोसेसेस आर गाइडेड थ्रू 5 स्टेजेस। पहला होता है इनिशिएशन, पांच स्टेजेस होती हैं प्रोजेक्ट की, हर प्रोजेक्ट की। मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, इनिशिएट करना है कि हाँ पहले आपने डिसाइड करना है मैंने मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, कैसा ख़रीदना है, फिर प्लान करते हैं कहाँ से ख़रीद सकता हूँ, क्या क्या ऑप्शंस हैं मार्केट में, क्या क्या है। मैंने प्लान करना है कि मैं सदर पहले जाऊँ, वहाँ से जाके मोबाइल फ़ोन पसंद करके आऊँ, फिर मैं सुपरमार्केट जाऊँ, फिर मैं जिना सुपरमार्केट जाऊँ, वहाँ पे देखूँ क्या क्या मोबाइल फ़ोन्स हैं। ये सारी पहले मैंने प्लानिंग कर ली, उसके बाद मैंने एग्जीक्यूट करना है, मैंने एक्चुअली जाना है, सदर जाना है, सदर से जाके मोबाइल फ़ोन देखना है और मैंने फिर सुपरमार्केट से देखना है। फिर उसके बाद जब मैंने मोबाइल फ़ोन एग्जीक्यूट कर लिया, फिर मैंने कंट्रोल करना है। कंट्रोल इस तरह से करना है कि मैंने देखना है कि जी मेरे ये टोटल मेरे पास बजट था और ये मेरी बेस्ट ऑप्शन है, मैं इसमें से ख़रीद लूँ। उसके बाद फिर क्लोज़ करना है, फिर आपने क्लोजिंग रिपोर्ट लिखनी है कि जी मैंने मोबाइल फ़ोन ख़रीदा और इतने अरसे में ख़रीद लिया और माई प्रोजेक्ट वॉज ऑन टाइम एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस मोबाइल फ़ोन, सो दिस वॉज अ प्रोजेक्ट। नाउ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? इट इज़ अ सिंगल यूनिट, रिलेटिवली लो फ्रीक्वेंसी होती है, डिफाइंड स्ट्रैटेजी, स्टार्टिंग पॉइंट्स, एंडिंग पॉइंट्स, डिफाइंड आउटकम्स, गोल, कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड टास्क, ऑफन ट्रांसेंडिंग फंक्शनल बाउंड्रीज, रिक्वायर स्पेशल मैनेजमेंट टूल्स। प्रोजेक्ट करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स बेसिकली किसी चीज़ को भी डिफाइन करते हैं। मैं अगर आपसे कोई पूछे कि जी उस्मान के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, somebody will say कि जी वो ऐसा है, वो ऐसा है, देखने में ऐसा है, दाढ़ी उसकी ऐसी है, मूंछें ऐसी हैं और उसने इस कलर का कोट पहना हुआ है, टाई इस कलर की पहनता है और इसी तरह बात करने में ऐसा है, मिलने में ऐसा है, हेल्पिंग है, नहीं है, ये सारे मेरे करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसी तरह प्रोजेक्ट के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। प्रोजेक्ट इज़ अ सिंगल यूनिट, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना के प्रोग्राम बनता। अगर मैंने हम जनरली बात करते होते हैं अपनी डेली लाइफ में कि यार क्या प्रोग्राम है लाहौर जाने का, क्या प्रोग्राम है लाहौर जाने का। सो लाहौर जाना क्या एक प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन जब हम प्रोग्राम कहते हैं तो उसका मतलब है कि इस्लामाबाद से लाहौर जाना एक प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट वन। लाहौर पहुंच के लाहौर के अंदर मैंने जो वहाँ पे घूमना फिरना है, मैंने किससे मिलना है, मैंने शॉपिंग करनी है, लिबर्टी मार्केट जाना है, ये सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये और उसके बाद वापस लाहौर से इस्लामाबाद आने एक और प्रोजेक्ट है, तो ये मिला के 8-9 प्रोजेक्ट्स जो हैं ये मिला के एक प्रोग्राम कहलाता। 2 या 2 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स अगर एक ही अम्ब्रेला में हों, अम्ब्रेला तो एक ही है ना कि जी हमने लाहौर जाना है, इन्जॉय करना है और वापस आना है, तो इसका क्या प्रोग्राम है। सो दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोग्राम। अगर सिंगल यूनिट है, सिंगल यूनिट का मतलब है कि मैंने लाहौर, इस्लामाबाद से लाहौर की प्लानिंग करनी कि यार यहाँ से मैंने लाहौर पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, गाड़ी पे जाना है, रिसोर्सेज क्या है मेरे पास, कितना टाइम लगेगा, क्या कॉस्ट आएगी, ये एक प्रोजेक्ट है। इट इज़ अ सिंगल यूनिट, प्रोजेक्ट इज़ ऑलवेज अ सिंगल यूनिट। लो फ्रीक्वेंसी होती है, लो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक ही प्रोग्राम के अंदर, अब एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम है, तो अगर मैं इसमें एक ही काम में 2-2 दफ़ा तो नहीं करूँगा। मैं एक दफ़ा लाहौर, इस्लामाबाद से लाहौर जाऊँ, फिर इस्लामाबाद से लाहौर जा नहीं जा सकता, मैं एक दफ़ा लाहौर पहुँच गया। इसी तरह मैंने कोई भी चीज़ ख़रीदनी थी, मैंने मार्केट जाना था और मार्केट जाके मैंने सोचा एक कैमरा ख़रीदना है, एक USB स्टिक ख़रीदनी है और एक मैंने मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, 3 चीज़ें ख़रीदनी है। अब मैं मार्केट जाता हूँ तो इट इज़ अ प्रोग्राम, मेरा मार्केट जाने का प्रोग्राम है कि मैं 3 चीज़ें ख़रीदूँ, 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। अब मैं 2 दफ़ा तो USB स्टिक नहीं ख़रीदूँगा, 2 दफ़ा तो मैं कैमरा नहीं ख़रीदूँगा, मुझे रिक्वायर्ड एक दफ़ा ही चाहिए, मैंने एक दफ़ा करना। सो रिलेटिवली लो फ्रीक्वेंसी होती है, अगर अनलेस इट इज़ रिक्वायर्ड हो कि आपने, और वो भी हो सकता है एक ही प्रोजेक्ट में 2 कैमरे भी ख़रीदे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अब एक दफ़ा क्या कैमरा ख़रीदा, फिर दोबारा क्या कैमरा ख़रीदा, फिर 3 दफ़ा क्या कैमरा ख़रीदा, अब मैंने 3 कैमरे ख़रीदने तो मैं इकट्ठा एक दफ़ा जाऊँगा 3 कैमरे ख़रीद लूँगा। डिफाइंड स्टार्टिंग पॉइंट्स एंड एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, आपको पता है कि कब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, कब प्रोजेक्ट एंड होगा। आउटकम्स भी पता है कि जी इसका क्या है, मैंने मोबाइल ख़रीदना है, ये इसका गोल है, आउटकम होगा, मुझे ये घर बनाना है, घर उसका आउटकम गोल है। इंटर रिलेटेड टास्क भी हो सकते हैं कि इस ये टास्क दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, वो टास्क इस पे डिपेंडेंट हैं। मोबाइल फ़ोन ख़रीदना, उसकी बैटरी भी ख़रीदनी है, तो पहले बैटरी जो है डिपेंडेंट है मोबाइल फ़ोन ख़रीदा जाएगा तो बैटरी ख़रीदेंगे हम, नहीं तो मोबाइल फ़ोन ख़रीद के पहले बैटरी ख़रीद के हमने क्या करना। फिर मैनेजमेंट टूल्स रिक्वायर्ड हैं, हम स्केजुलिंग के लिए और एनालिसिस के लिए डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं। सो दीज वर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट। Now coming on to project management activities. Activities क्या हैं? Planning है, scheduling है, controlling है। Planning क्या है जी? हमारे planning में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे objectives क्या हैं, project के हमने करना क्या चाहते हैं, resources हमारे पास क्या क्या हैं, work breakdown structure भी हम आगे discuss करते हैं। उसमें हम activities list down कर लेते हैं, क्या क्या करना है, ये चीज़ खरीदनी है, ये चीज़ खरीदनी है, ये काम करना है। फिर हम उसको देख लेते हैं कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, कौन सा काम करेंगे तो अगला काम हो सकता है, कौन सा काम उससे पहले करना है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, आपने इन सारे एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है। फिर स्केजुलिंग के अंदर आ जाता है प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है, स्टार्ट टाइम क्या है, इस एक्टिविटी का एंड टाइम क्या है, ये कब शुरू करनी है, कब ख़त्म करनी है। नेटवर्क डायग्राम उसकी एक हम बनाते होते हैं, नेटवर्क डायग्राम भी आपको मैं भी दिखाता हूँ कि जिसमें ये एक्टिविटी, उसके बाद ये एक्टिविटी आएगी, उसके बाद ये एक्टिविटी आएगी, इस एक्टिविटी के साथ एक और एक्टिविटी भी हम शुरू कर सकते हैं, हम एक नेटवर्क डायग्राम बना लेते हैं। फिर कंट्रोलिंग में क्या, हम कंट्रोलिंग में आ जाता है कि जी मॉनिटर कैसे करेंगे, हमने ये एक्टिविटी हो रही है, इस एक्टिविटी को देखना है, मॉनिटर करना है, कॉस्ट टर्म्स में मॉनिटर करना है, हमने उसके परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन टर्म्स में करना है, कंपेयर करना है, रिवाइज करना है, कोई एक्शन उस पर लेना है। दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग, स्केजुलिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग द प्रोजेक्ट, टाइम, कॉस्ट, परफॉर्मेंस हमारे पर डिफाइन, हम प्रोजेक्ट डिफाइन करते हैं प्लानिंग में, ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, कौन सी पहले कौन सी बाद में, टीम मेंबर्स कौन कौन से होंगे, रिसोर्सेज क्या क्या यूज़ होंगी, ये तो हमारी प्लानिंग हो गई। स्केजुलिंग के अंदर हम एक सीक्वेंस बना लेते हैं कौन एक्टिविटीज़ का, फिर हम शेड्यूल बना लेते हैं, उसके बाद हम लोगों को असाइन कर देते हैं कौन सा काम कौन करेगा, कौन सा काम किसने करना है और कब तक करना है। फिर कंट्रोलिंग के अंदर मॉनिटर करते हैं रिसोर्सेज, कॉस्ट को, क्वालिटी को, ये सारी चीज़ें हम मॉनिटर करते हैं। सो दैट इज़ द कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट। और इस स्लाइड के आप एंड के ऊपर नीचे देखिएगा, देयर इज़ अ टाइम लाइन जिस पे है कि जी बिफोर या प्रोजेक्ट के स्टार्ट में, स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। अब बिफोर द प्रोजेक्ट प्लानिंग आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, स्केजुलिंग जो है वो भी प्लानिंग का एक हिस्सा ही होती है, वो भी आप प्रोजेक्ट से पहले स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट आप कंट्रोलिंग मॉनिटर करते रहते हैं प्रोजेक्ट को। नाउ व्हाट इज द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर? अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल वर्क दैट हैज़ टू बी कंप्लीटेड। जो भी आपने काम करना है उसकी एक स्टेटमेंट बना लेते हैं कि कौन कौन से काम करने हैं, कौन से एक्टिविटीज़ करनी है। A list of all activity tasks that constitutes a project. अब प्रोजेक्ट की हेडिंग आ गई, उसके बाद आ जाता है मेजर टास्क इन द प्रोजेक्ट। हर टास्क, सारे जितने टास्क हैं, आपने मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, ये ख़रीदना है, वो ख़रीदना है, अगर इंडिविजुअली प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर आप कहते हैं ये प्रोजेक्ट है, मेरा घर बनाना है, घर के अंदर मैंने बेसमेंट बनानी है, फर्स्ट फ्लोर बनाना है, सेकेंड फ्लोर बनाना है, 3 फ्लोर्स बनाने। अब 3 फ्लोर्स अलग अलग टास्क हैं, और पहले फ्लोर का, दूसरे फ्लोर का, तीसरे फ्लोर के सब टास्क हैं। बेसमेंट है, बेसमेंट के कंक्रीट आपने वॉल्स बनानी है, उसके अलावा खिड़कियां लगानी है, ये चीज़ें लगानी है सारी, इसी तरह फर्स्ट फ्लोर पे, इसी तरह सेकंड फ्लोर पे। फिर खिड़की लगानी है, तो खिड़कियों की क्या, विंडोज़ हैं, विंडोज़ की क्या एक्टिविटीज़ होंगी कि विंडोज़ जो हैं किस क्वालिटी की, कहाँ से लेनी है, ऑर्डर कब करनी है, कब वो डिलीवर होंगी, कब फिटिंग होगी, पेंट कौन करेगा। फिर उसके बाद इस तरह से उसको हम ये उसका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना लेते हैं और एंड के ऊपर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं। Now coming to project scheduling, identify precedence relationships. Precedence relationships होते हैं कि activities पहले कौन सी activity होगी, बाद में कौन सी होगी। Sequencing activities को हम sequence कर लेते हैं कि first number activity, second, third, fourth, fifth. Determining activity times and cost, हर activity के time और cost, के activity का time कब start होगी, कब ख़त्म होगी और cost क्या आएगी। Estimating material and worker and requirements, determining critical activities कि कौन सी activities पहले करना ज़रूरी हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स हम क्या यूज़ करते हैं, गैंट चार्ट यूज़ करते हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड और प्रोग्राम एवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक विच इज़ कॉल्ड पर्ट एनालिसिस। ये तीन टेक्निक्स हैं जो कि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू मॉनिटर द प्रोजेक्ट। गैंट चार्ट इस तरह का होता है। अब हमने एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए हमारे पास जनवरी मंथ्स हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये ऊपर एक्टिविटी के साथ टाइम पीरियड के नीचे मंथ्स आ गए। और हमारे पास एक्टिविटीज़ क्या हैं, एक डिज़ाइन करना है हमने प्रोजेक्ट को, फिर उसके बाद बिल्ड करना है, फिर टेस्ट करना है। हमने एक रिमोट बनाया, रिमोट को पहले डिज़ाइन किया, फिर उसको बिल्ड किया, फिर टेस्ट किया। तो डिज़ाइनिंग जो है वो जनवरी से शुरू होती है मार्च तक, और जब डिज़ाइनिंग हो रही होती है तो हम उसका कुछ पार्ट बिल्डिंग शुरू कर देते हैं। तो मार्च के अंदर हमारी बिल्डिंग स्टार्ट, हमने रिमोट बनाना शुरू कर दिया। मार्च, अप्रैल, मई तक ये ग्रीन बार आपको बता रही है कि जी हमने मई तक वो किया। जब जैसे ही वो कंप्लीट हुआ, बिल्ड कर लिया, हमने रिमोट बना लिया, तो उसके बाद मई, जून, जुलाई तक टेस्टिंग चल रही है। सो दिस इज़ अ गैंट चार्ट। किसी भी आप प्रोजेक्ट को इस तरह से चार्ट के ऊपर एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये एक्टिविटी इस वक्त ख़त्म होगी, ये, और ओवरलैप भी कर सकती हैं। जैसे कि आप देखें यहाँ पे डिज़ाइनिंग और बिल्डिंग, अभी डिज़ाइनिंग कंप्लीट नहीं हुई लेकिन बिल्डिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन बिल्डिंग और टेस्टिंग, बिल्ड होगा तो टेस्टिंग स्टार्ट होगी। तो ये ओवरलैप भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती। PERT या CPM मैथड, नेटवर्क प्लानिंग भी इसे कहते हैं, नेटवर्क डायग्राम भी कहते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, क्रिटिकल पाथ, स्लैक फॉर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़, क्रैशिंग, कॉस्ट टाइम ट्रेड ऑफ, रिसोर्स यूजेज। ये इस तरह की हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये आप नीचे राइट पे देखिएगा एक डायग्राम, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जी पहला जो है लेफ़्ट के ऊपर जो है वो स्टार्ट पॉइंट है, और राइट का जो आखिरी डब्बा है, बॉक्स है, वो एंड पॉइंट है। तो मैंने स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट किया, तो मैं एक इकट्ठे दो में एक्टिविटीज़ ये जो हैं ओवल, बीच में ओवल जो बने हुए येलो कलर के, ये एक्टिविटीज़ हैं। मैंने इकट्ठे दो एक्टिविटी स्टार्ट की। पहली एक्टिविटी जब ख़त्म होगी तो उसके बाद इकट्ठी तीन एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरह जो दूसरी एक्टिविटी, तो उसके बाद इकट्ठी दो एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती हैं। फिर उसकी जो सेकंड एक्टिविटी ख़त्म होगी उसके बाद एक और एक्टिविटी, फिर एक और एक्टिविटी, और वो एक्टिविटी डायरेक्टली उस स्टेज पर चली जाएगी। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देखते हैं सेंट पॉल हॉस्पिटल की। एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं कि जी सिलेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मेडिकल स्टाफ, उसके बाद है सिलेक्ट साइट एंड डू साइट सर्वे। ये जी हॉस्पिटल बनाना है तो पहले तो मेडिकल स्टाफ चाहिए, फिर साइट पसंद, जगह पसंद करनी है, फिर हमने साइट सर्वे करना है, इक्विपमेंट पसंद करना है। डी है प्रिपेयर फाइनल कंस्ट्रक्शन प्लान एंड लेआउट। ई है ब्रिंग यूटिलिटीज़ टू द साइट। F है इंटरव्यू एप्लीकेंट्स एंड फिल पोजीशंस इन नर्सिंग, स्पोर्ट्स स्टाफ, मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी। जी है परचेज एंड टेक डिलीवरी ऑफ इक्विपमेंट। H है कंस्ट्रक्ट द हॉस्पिटल, डेवलप एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। J इंस्टॉल द इक्विपमेंट। K ट्रेन नर्सेज एंड सपोर्ट स्टाफ। तो ये एक हमने हॉस्पिटल की हमने एक्टिविटीज़ डिफाइन कर ली। जो हॉस्पिटल बनाना है तो कैसे बनाना है, सबसे पहले स्टाफ हमने हायर करना है, साइट जगह पसंद करनी है, उसके बाद हमने इक्विपमेंट पसंद करना है, उसके बाद हमने वहाँ पे लोगों को लेके आना है, फिर हमने ट्रेनिंग करानी है, फिर हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करानी है, उसके बाद हमने मेडिकल स्टाफ हमने हायर करना है, और इवेंचुअली हमारा हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा। अब इमीडिएट प्रीडिसेसर्स, इमीडिएट प्रीडिसेसर्स हमने जैसे बात की कि कौन सी एक्टिविटी पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी, और एक्टिविटी ए के बाद एक्टिविटी बी स्टार्ट हो सकती है या डायरेक्टली एक्टिविटी सी पे भी जा सकते हैं। अब जैसे हम एक्टिविटी ए है, एक्टिविटी प्रीडिसेसर होता है कि ए से पहले कौन सी एक्टिविटी आएगी। ए से पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, ए हमारी पहली एक्टिविटी, बी से भी पहले कोई एक्टिविटी नहीं। लेकिन जो एक्टिविटी सी है, सी से पहले ए आएगी। सी हम इक्विपमेंट कब सेलेक्ट करेंगे, उससे पहले हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ले चुके होंगे, स्टाफ होगा तो इक्विपमेंट सेलेक्ट करेगा ना, तो मतलब सी से पहले ए आती है। अच्छा, इसी तरह डी है प्रिपेयर कंस्ट्रक्शन प्लान, तो कंस्ट्रक्शन प्लान तब बनेगा जब साइट हमारे पास होगी, जगह होगी तो कंस्ट्रक्शन प्लान बनेगा, तो मतलब कि डी से पहले बी आएगा। यूटिलिटीज़ टू द साइट, के वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मशीनरी अब हम साइट पे लेके जाएंगे, तो साइट होगी तो कंस्ट्रक्शन मशीनरी जा सकेगी, इसका मतलब बी पहले आएगा ई से। फिर इंटरव्यू स्टाफ एंड एप्लीकेंट, उसके लिए भी हमारे पास मेडिकल स्टाफ होगा तो वो उनका इंटरव्यू करेगा, ए आएगी। परचेज एंड टेक डिलीवरी ऑफ इक्विपमेंट, अब हमारे पास सी देखें, सिलेक्ट इक्विपमेंट। इक्विपमेंट हम पहले पसंद करके ऑर्डर करेंगे तो हम उसको परचेज और डिलीवरी करेंगे ना, उसकी डिलीवर करेंगे कराएंगे। कंस्ट्रक्ट द हॉस्पिटल डी, डी क्या है? प्रिपेयर फाइनल कंस्ट्रक्शन प्लान। कंस्ट्रक्शन प्लान होगा तो हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो सकती है। प्रीडिसेसर्स होते हैं जो पहले आएगा। एक्टिविटीज यहाँ लिस्टेड हैं तो उसके साथ प्रीडिसेसर्स भी लिखे हुए हैं कि इससे पहले ये एक्टिविटी होगी तो ये हो सकती है, ये वाली होगी तो ये हो सकती है। इंस्टॉल द इक्विपमेंट, इक्विपमेंट इंस्टॉल करने के लिए यूटिलिटीज़ भी साइट पे आ जाएं, उसके अलावा इक्विपमेंट भी ख़रीदा हुआ हो और एच हॉस्पिटल भी बन चुका हो तो हम उसके बाद इक्विपमेंट इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो उस वक्त तक जे एक्टिविटी नहीं हो सकती। फिर है के उस वक्त हो सकती है जब हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बना लिए है, हमने इंटरव्यू भी कर लिए एप्लीकेंट्स और इंस्टॉल भी कर दिए इक्विपमेंट, उसके बाद हम सपोर्ट स्टाफ और नर्सेस को ट्रेन कर सकते हैं वहाँ पे। अब इस सब डायग्राम को देखें, स्टार्ट पॉइंट था, नेटवर्क डायग्राम भी इसे कहते हैं। स्टार्ट पॉइंट के बाद हमने कहा कि जी ए और बी दो एक्टिविटीज़ शुरू करनी है। ए क्या थी? मेडिकल स्टाफ ले लें। बी क्या थी? साइट देख लें। बी के बाद हमने कहा कि जी बी के बाद डी आएगी और बी के बाद डायरेक्टली ई भी हो सकती है, ठीक है। ए के बाद आई भी हम कर सकते हैं और ए के बाद एफ भी हो सकती है, ए के बाद सी भी हो सकती है। आई जो डायरेक्टली आई के बाद के होगी, एफ के बाद के होगी, सी जी जे ये सारी हमने और एंड पे के बाद फिनिश होगी। के हमारी लास्ट एक्टिविटी है जो कि क्या है? ट्रेन नर्सेज एंड स्पोर्ट्स स्टाफ। हमने हॉस्पिटल बना रहे हैं नर्सेज को, स्पोर्ट्स स्टाफ को ट्रेन करने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? के बाद हमारा प्रोजेक्ट फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके साथ कंप्लीशन टाइम भी ऐड कर देते हैं कि जी पहली एक्टिविटी ए है, ए को कंप्लीट करने में 12 दिन लगते हैं, आई को 15 दिन लगते हैं, एफ को 10 दिन लगते हैं, के को 9 दिन लगते हैं, सी को 10 दिन, जी को 35 दिन लगते हैं। अब हमने सारी एक्टिविटीज़ के साथ हमने डिफाइन कर दिया कि इसको कंप्लीट करने के लिए कितने टाइम चाहिए। अब अगर हम फर्दर इसको देखें, हम देखते हैं कि जी कंप्लीशन टाइम, आप ये रेड एरोज को देखिएगा कि रेड एरोज, अब हमने वो पाथ देखना है, अब हमने क्रिटिकल पाथ डिफाइन करना है। क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जो कि लॉन्गेस्ट टाइम होता है आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। अगर आप चलें स्टार्ट से ए पे जाएं, ए से सी पे जाएं, जी पे जाएं, जे पे जाएं, के पे जाएं तो कितना टाइम लगेगा? ए से आप एफ पे जाएं, के पे जाएं तो कितना टाइम लगेगा? ए से आई पे फिर के पे जाएं तो कितना टाइम लगेगा? स्टार्ट से बी, बी ई जे या बी डी एच पे कितना टाइम लगेगा और जे से के। ये आपने देखना है कि कौन सा ऐसा पाथ है, कौन सा ऐसा रूट है जिससे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, वो उसे हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं। अब ये देखें पाथ, आपने देखा कि ए आई के में एक्सपेक्टेड कितने वीक्स लगते हैं? 36 हफ्ते लगते हैं। ए एफ के में 31 हफ्ते लगते हैं। ए सी जे के में आपने 70 लगते हैं। बी डी एच जे के में 72, सबसे ज़्यादा 72 वीक्स लगते हैं इस सारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तो दैट मीन्स कि दैट इज़ द क्रिटिकल पाथ, इसे हम क्रिटिकल पाथ कहेंगे। द लॉन्गेस्ट पाथ इन द नेटवर्क डिफाइंस द शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड वे प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड। मतलब इसका मतलब ये है कि क्रिटिकल पाथ हमें ये बताता है कि जी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कम से कम 72 वीक्स लगेंगे, इससे कम में ये कंप्लीट नहीं हो सकता। क्रिटिकल पाथ, एक्टिविटी डिले, प्रोजेक्ट डिले। अब क्रिटिकल पाथ की जितनी एक्टिविटीज हैं उसमें अगर जरा भी डिले आएगा तो प्रोजेक्ट डिले होगा। तो इस चीज का हम ख्याल रखते हैं कि अगर हमने किसी एक्टिविटी में डिले आ भी रहे तो वो क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटी होगी और उसमें डिले आएगा तो प्रोजेक्ट भी डिले होगा। कंप्लीशन टाइम फॉर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज, अभी तो हमने देखा ना क्रिटिकल एक्टिविटीज, और हमने उसमें ये डिस्कस की बात कि जो नेटवर्क डायग्राम है अगर उसमें क्रिटिकल एक्टिविटी में डिले आएगा तो आपके प्रोजेक्ट में डिले आएगा। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी में अगर डिले आए तो प्रोजेक्ट में डिले नहीं आता। वेरिएबिलिटी ऑफ टाइम्स फॉर एक्टिविटीज ऑन नॉन क्रिटिकल पाथ्स मस्ट बी कंसिडर्ड व्हेन डिटर्मिनिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फिनिशिंग इन अ स्पेसिफाइड टाइम। वेरिएशन इन नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी मे कॉज चेंज इन द क्रिटिकल पाथ। अगर आपकी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा डिले आ जाए, थोड़े बहुत डिले से फ़र्क नहीं पड़ता आपके जो है उससे प्रोजेक्ट ओवरऑल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम पे। लेकिन अगर किसी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी में ह्यूज डिले आना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से आपका जो नेटवर्क डायग्राम है उसका क्रिटिकल पाथ चेंज हो जाता है, क्रिटिकल पाथ आपका चेंज हो जाता है। आप फिर दोबारा से रिकैलकुलेट करते हैं अपना क्रिटिकल पाथ और आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाता है और प्रोजेक्ट टाइम चेंज हो जाता है। Now cost time trade-offs. Most activities can be done faster if you pay more money. मैंने आपको शुरू में एजेंडे में भी बताया था कि कॉस्ट टाइम ट्रेड ऑफ. अब बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसे हैं कि जो आपने एक काम अगर 4 दिन में होना है, आप डबल लेबर लगा के वो काम 2 दिन में कर लेते हैं, लेकिन वो पैसे वहाँ पे आपका टाइम बच जाता है, कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है. तो और अगर आपने अब कोई भी काम अगर आपने जो 4 दिन का अगर आप लेबर हाफ कर देंगे तो 8 दिन में करा सकते हैं. उससे आपकी क्या होगी, कॉस्ट कम हो जाएगी लेकिन टाइम बढ़ जाएगा. वर्क ओवर टाइम, हायर मोर पीपल, रेंट एक्स्ट्रा इक्विपमेंट, इंसेंटिव्स, कॉन्ट्रैक्ट्स. PERT या CPM have the ability to crash a schedule to shorten activity time in a network to reduce project completion time. To crash a schedule, crash a schedule का मतलब है schedule को reduce कर सकते हैं because of these cost time trade off. आप नेटवर्क एक्टिविटी टाइम किसी भी एक्टिविटी का कम कर सकते हैं, डबल ओवर आवर्स करा, ओवर टाइम्स करा के, एक्स्ट्रा पे करके, और अपना प्रोजेक्ट का टाइम कंप्लीशन टाइम जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर किया जा सकता है. कॉस्ट टाइम रिलेशनशिप अगर हम ग्राफ पे देखें तो क्रैश टाइम, नॉर्मल टाइम. अब क्रैश टाइम के ऊपर आप देखें तो डायरेक्ट कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा है. नॉर्मल कॉस्ट अगर आपकी यहाँ पे $4,000 है तो आपका क्रैश टाइम में वही काम अगर आपने जो कराना है $4,000 में, वही काम आप $7,000 में करा रहे होंगे, तो आपका प्रोजेक्ट टाइम तो कम हो जाएगा लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. प्रोजेक्ट कंट्रोल रिपोर्ट, परफॉर्मेंस वर्सेस स्केड्यूल. अब कंट्रोल रिपोर्ट क्या होती है? कंट्रोल रिपोर्ट बेसिकली, अब यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया. प्रोजेक्ट जब हमने कंप्लीट कर लिया उसके बाद क्या हमें कंट्रोल रिपोर्ट बनाते हैं. कंट्रोल रिपोर्ट में बताते हैं कि जी हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, हमने कैसा परफॉर्म किया. हमने प्रोजेक्ट 10 दिन में कंप्लीट करना था, हमने प्रोजेक्ट 12 दिन में किया, 8 दिन में कर लिया, कैसे कर लिया हमने. एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड टाइम टू प्रोजेक्ट कंप्लीशन क्या था और आपने कंप्लीट कितने में किया. कॉस्ट और बजट, बजट आपका एक मोबाइल फ़ोन आपने ख़रीदना था, बजट आपका 10,000 था लेकिन आपको एक्चुअली जब आपने ख़रीदा तो जाके आपने 16,000 का, तो कॉस्ट 6,000 इंक्रीज़ कर गई. डिटेल कॉस्ट ब्रेकडाउन्स फॉर ईच टास्क एंड ऑर्गेनाइजेशन, और फिर कॉस्ट ब्रेकडाउन्स आप बनाते हैं कंट्रोल रिपोर्ट के अंदर. कॉस्ट ब्रेकडाउन्स क्या होते हैं कि जिसमें आपने हर कंपोनेंट, हर एक्टिविटी की कॉस्ट आप एनालाइज करते हैं कि इस एक्टिविटी की कॉस्ट अगर 10,000 थी तो ये कितने में कंप्लीट हुआ. हमने इनिशियली स्केड्यूल तो 10,000 की थी, हमने कहा था कि जी 10,000 इस एक्टिविटी पे कॉस्ट आएगी, तो अब कितनी आई. फिर एक्सपेक्टेड टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं. फिर रिसोर्स रिपोर्ट्स बनाते हैं. रिसोर्स रिपोर्ट्स होती हैं कि आपके जितने रिसोर्स पर्सनस हैं, जितनी आपके रिसोर्सेज हैं, आपके जितने स्टाफ हैं, उन सब से भी आप फीडबैक लेते हैं और उसके बाद आप बताते हैं कि आपके इस प्रोजेक्ट के जो रिसोर्सेज थे, हाउ डिड दे परफॉर्म. करेक्टिव एक्शंस, कंटीजेंसी रिपोर्ट्स. फिर हम करेक्टिव एक्शन एक रिपोर्ट बनाते हैं, कंटीजेंसी रिपोर्ट बनाते हैं. अगर हम नेक्स्ट टाइम सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट करेंगे, तो रिपीटेटिव प्रोजेक्ट करेंगे, तो उस वक्त फिर हम इन सारे एक्शंस को इनकॉर्पोरेट करेंगे और इन चीज़ों का हम ख्याल रखेंगे. आइंदा हम मोबाइल फ़ोन ख़रीदने जाएँ तो हमें पता हो कि हमने ये एक्टिविटीज़ नहीं करनी, या इन एक्टिविटीज़ के ऊपर हमने कॉस्ट वेस्ट नहीं करनी, या इन एक्टिविटीज़ के ऊपर हमने टाइम वेस्ट नहीं करना. सो प्रोजेक्ट कंट्रोल रिपोर्ट इज़ काइंड ऑफ अ रिपोर्ट जो बेसिकली आपके प्रोजेक्ट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को जज करती है, परफॉर्मेंस को मेजर करती है और आपको एक नेक्स्ट आपको एक एक्सपीरियंस, नॉलेज आप गेन करते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट से व्हाट वाज द लर्निंग आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, व्हाट लर्निंग यू कैन टेक टू अनदर प्रोजेक्ट इन रिपीटेटिव वन, और द नेक्स्ट टाइम यू विल डू अ प्रोजेक्ट. So we have come to the end of today's lecture. In this lecture we talked about project management. Project management requires special tools. हमने PERT analysis, critical path method, ये दोनों देखे, network planning diagrams देखी that generate relationship between activities, project duration, critical path, non-critical activities, crashing and resource usage. ये इन सारी चीज़ों की क्या है, रिलेशनशिप डिफाइन करती है और हमें बताती है कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर अपना टाइम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, अपना टाइम इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, प्लस कॉस्ट कैसे रिड्यूस की जा सकती है, कॉस्ट और टाइम रिड्यूस करें तो कॉस्ट इंक्रीज भी हो जाएगी। प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली प्रेवलेंट फॉर मार्केट ड्रिवन रीजंस। और प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क जो है अब जितनी भी कंपनीज हैं वो हर टास्क को एज अ प्रोजेक्ट ले रही हैं। वाई? ग्रोइंग प्रोजेक्ट कम्प्लेक्सिटी, क्योंकि अब प्रोजेक्ट्स जो हैं, टास्क जो हैं, दे हैव बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से विद द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच आप एक्टिविटीज़ में जब उसे ब्रेक डाउन कर लेते हैं तो उन्हें प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना, प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना आसान हो जाता है, कॉस्ट को इन कंट्रोल रखना आसान हो जाता है। कोलैप्सिंग प्रोडक्ट्स सर्विस लाइफ साइकिल्स, और क्योंकि अब प्रोडक्ट्स की सर्विसेज की लाइफ साइकिल बहुत जल्दी डिटेरियोरेट हो रही है, एक नया प्रोडक्ट आता है फौरन एक और नया प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो रहे हैं, उसकी वजह से भी कॉस्ट मेंटेनेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन प्रोजेक्ट्स नाउ। People with these skills are in demand. We have only scratched the surface of the topic. If you are interested, take the project management course. हमने तो सिर्फ एक overview देखा कि project management कैसे होती है और operations management का क्या relationship है with the project management, और project management में हम कैसे उसे use कर सकते हैं। तो अगर तो thoroughly आप project management के details में जाएं फिर तो you need to study the project management course. Finally, the last slide of today's lecture. Let's summarize what we have learned in this lecture. We initially talked about the case study of Hard Rock Cafe. हमने देखा Hard Rock Cafe क्या करता है, product and services produce करता। Product क्या है? Food. Services क्या है? Entertainment, music. Now, वहाँ पे ऑपरेशंस मैनेजमेंट कितनी क्रिटिकल है, इम्पॉर्टेंट है, हमने ये देखा। हमने देखा कि ऑपरेशंस मैनेजर वहाँ पे, और फिर हमने ऑपरेशंस मैनेजमेंट के 10 इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो भी डिस्कस किए, और हमने इंडिविजुअली डिस्कस किया कि हर डिसीजन वहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट होता है। देन वी टॉक्ड अबाउट प्रोजेक्ट्स, के प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। हमने देखा कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में पहले मेजर टास्क आते हैं, फिर उसके बाद उसके सब टास्क आ जाते हैं, फिर उसके बाद हर टास्क की अपनी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, साथ उनके कॉस्ट स्केड्यूल आ जाता है। फिर उसके बाद हमने स्केड्यूलिंग टेक्निक देखी। स्केड्यूलिंग टेक्निक में हमने देखा कि ये हमारे पास एक्टिविटीज़ हमने सारी लिस्ट डाउन कर ली हैं, एक्टिविटीज़ का हमने कोड भी लिस्ट डाउन कर लिया, ABCDEFGHIJK, और उसके बाद हमने देखा कि प्रीडिसेसर्स कौन से हैं, प्रीडिसेसर्स के ये एक्टिविटीज़ हैं, इन एक्टिविटी से पहले कौन सी एक्टिविटी होनी है, तो वो हमने नोट कर ली। उसके बाद फिर हमने एक क्रिटिकल पाथ डायग्राम बनाई, जिसे हमने नेटवर्क डायग्राम भी कहते हैं, पर्ट एनालिसिस भी सही कहते हैं, CPM भी सही कहते हैं। तो हमने एक डायग्राम बनाई और हमने देखा कि स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट, उसके बाद कौन सी एक्टिविटी पहले, कौन सी एक्टिविटी उसके साथ पैरेलल शुरू हो सकती हैं, दो एक्टिविटी A और B पैरेलल शुरू हो गई, A के बाद कौन सी एक्टिविटी आएगी, और उसके बाद फिर AC आएगी, C के बाद कौन सी एक्टिविटी आएगी, और फिर ये जितनी एक्टिविटीज़ हैं इसमें हम एक लॉन्गेस्ट पाथ डिफाइन कर लेते हैं वीक्स के हिसाब से। अब हमने देखा कि, और फिर हम एक्टिविटीज़ के बारे में नोट कर लिया कि जी हर एक्टिविटी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, कितने वीक्स लगेंगे, हर वीक के हिसाब से हमने देख लिया कि अच्छा इतने वीक्स लगेंगे, तो लॉन्गेस्ट पाथ क्या है, तो लॉन्गेस्ट पाथ हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का शॉर्टेस्ट टाइम होता है, उससे कम टाइम में हम प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट कर सकते। फिर हमने इसकी कॉस्टिंग भी करके देख ली इसी के ऊपर, और हमने देखा कि अगर हमने किसी एक्टिविटी को टाइम रिड्यूस करना है तो कॉस्ट हम बढ़ जाएगी, अगर हमने कॉस्ट रिड्यूस करनी है तो टाइम बढ़ जाएगा। फिर हमने नॉन क्रिटिकल हमने एक्टिविटीज़ भी देखी कि जो क्रिटिकल पाथ पे एक्टिविटीज़ लाई नहीं करती वो नॉन क्रिटिकल होती हैं, और हमने देखा कि नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी के कॉस्ट या टाइम कम ज़्यादा होने से प्रोजेक्ट पे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ह्यूज उसमें डिले आ जाए तो उससे हमारा क्रिटिकल पाथ चेंज हो जाता है और इवेंचुअली हमारा प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। तो एंड के ऊपर हमने देखा कि कॉस्ट टाइम ट्रेड ऑफ्स भी हमने बात की कि ज़्यादा आप टाइम, अगर आप टाइम प्रोजेक्ट का बढ़ जाएगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो टाइम कम हो जाएगा। फिर हमने प्रोजेक्ट कंट्रोल रिपोर्ट्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट कंट्रोल रिपोर्ट्स क्या होती हैं, हम इसको क्यों बनाते हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीशन करते हैं। हमने इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि हम अपनी लर्निंग को नेक्स्ट प्रोजेक्ट में कैरी ऑन करें, या एक्शंस हम डिफाइन करें कि इस प्रोजेक्ट में हमें क्या एक्शंस लेने चाहिए थे, और हमारी नॉलेज इंक्रीज़ करती है कि जी हमने ये प्रोजेक्ट किया, एक्सपीरियंस हम अपना डॉक्यूमेंट करते हैं। So this is all for this lecture. Thank you very much.